दोस्तों आज सितारे जिनके दम से हैं, मैं आपकी मुलाकात करवा रहे हैं द वेरी फेमस, द वेरी पॉपुलर एंड द वेरी क्रेजी एंड मैड माय फ्रेंड अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम अली। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली, ये बताओ कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक? बस कुछ लोग होते हैं, मैं एनर्जी होती है, आई थिंक नॉर्मली व्हेन आई एम लाइक सिटिंग एट होम नाउ, ऑब्वियसली एट द एज 32 आई एम नॉट दैट हाइपरएक्टिव आई यूज्ड टू बी, बट आई वाज प्रीटी मच क्वाइट हाइपरएक्टिव। शरारती था काफी स्कूल में, हर दिन चौकीदारों को भेज के मेरी माँ को बुलाते थे कि आए देखें क्या कर रहे हैं, क्या चाहता है। कभी दरख्त पे चढ़ जाता है, उतरता नहीं है, सारा दिन क्लास में अटेंड नहीं करता है, कभी बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाता है, दो दो दिन तक नहीं मिलता, कुछ लोगों को पत्थर मार रहा है। नहीं नहीं, डेली स्टाफ यार। तो अम्मी क्या करती थी? अम्मी बेचारी ने अब क्या करना था, अम्मी जो थी वो बस गालियां वालियां निकाल के बुरा भला कह के मारा नहीं कभी उन्होंने। क्या रिलेशनशिप था अम्मी के साथ? अम्मी के साथ हमेशा से अच्छा रिलेशनशिप रहा था, अम्मी और अब्बू दोनों के साथ। ये एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी बच्चे के लिए। एज गोइंग अप I think I got a lot of strength from my mother and my father. That's it. Truly, truly. और आज भी I'm sure कभी-कभी उनकी support की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, हर रोज हम लोग तो यानी कि हमारा हर रोज का एक वो एक discussion forum होता है। वो उसमें everything gets scrutinized and you know ideas अच्छा नहीं ये नहीं वो अच्छा ठीक है चलो and they were माशाल्लाह very proud. Of the fact that you know I do this and I chose this as a line of work. अच्छा क्या माने क्या रखते हैं आज parents तुम्हारे लिए? मेरे लिए मानी मेरे ख्याल से कि जब मैं बड़ा हो रहा था, teenage years तो trouble years होते हैं, college violence, लड़ाइयाँ और you know उल्टी सीधी हरकतें, यहाँ से शिकायत आ रही है, वहां से शिकायत आ रही है, वो एक टाइम था जो तो उस टाइम पे उन मैं हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने एक बड़ा ही कूल माइंड रखा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये एक फेज है, अगर इसको करेंगे तो ये रिबेलियस हो जाएगा बहुत ज्यादा, सो दे वुड वांट मी टू एक्सप्लेन द फीलिंग दैट आई गो थ्रू व्हेन आई एम डूइंग दीस थिंग्स। सिंस आई ग्रू अप एंड मूव्ड आउट ऑफ द हाउस व्हिच वाज अबाउट 15 इयर्स अगो, आई बीन लिविंग ऑन माय ओन, माँ बाप लाहौर में रहते हैं, मैं कभी दो साल ऑस्ट्रेलिया रहा, फिर इस्लामाबाद चला गया, फिर कराची को 11 साल से रह रहा हूँ। तो उसके दौरान में दूरी से भी एक वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, फिर मुझे कुछ चीजें समझ आने लगी कि माँ बाप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मैं जब रिएक्ट करता था तो वो डिफरेंटली होता था। वो बड़ी एक नाउ वी आर वेरी क्लोज इन द सेंस के वी अंडरस्टैंड ईच अदर, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना चेंज, आई एम नॉट गोना चेंज and I will not force them to change and they will not force me to change, but just the understanding of the fact that we know where you at, yeah, it makes life easier. There's not much judgmental behavior going on parents part or emotional blackmail which most parents do ki acha maine ek mujhe ye cheez chahiye, mere dil ki khwahish hai ki mera beta ye kare ya beti ye kare, to aapko emotionally blackmail kare. So thank god I never saw those things because my parents never did that. Even all my friends that I hang out with, वो मेरे से कम और मेरे माँ बाप के साथ ज्यादा बैठते हैं और ज्यादा फ्रीली उनसे बात करते हैं, बिकॉज दे रियलाइज के इफ दे कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेज में दे कैन अंडरस्टैंड अस कंप्लीटली, वे लाइक अ कैंडी फॉर देम। अच्छा अभी मैं कहती हूँ अगला सवाल बिल्कुल बेकार है, बट थिंक हार्ड एंड ट्राई एंड आंसर इट, कि कभी कुछ ऐसा जो अम्मी से ना कहा हो मगर कहना चाहते हो इस प्रोग्राम के थ्रू, तो क्या कहना चाहोगे? मेरा ख्याल है कि I mean, she knows it, मेरे माँ बाप को दोनों को पता है कि how much I love them. लेकिन मेरे ख्याल से I mean, she knows it, that I also want her to live here with me, but she prefers living in Lahore. सारी उम्र लाहौर में रही है वो, तो आ जाती है कभी कभी एक महीने के लिए, दो महीने के लिए। लास्ट ईयर व्हेन दे वर नॉट फीलिंग वेल बोथ ऑफ देम माय पेरेंट्स हार्ट पेशेंट्स, तो वो दोनों को मैं यहाँ कराची ले आया था, सो दे वर ट्रीटेड, सो द मिनट दे बिकेम बैक दे वेंट बैक टू लाहौर। मैंने कहा अच्छा हम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। तो या डेफिनेटली आई वांट देम टू लिव विद मी, यू नो इट्स आई फील नॉर्मल आल्सो, मे बी आफ्टर 15 इयर्स और सो, आफ्टर 14 इयर्स ऑफ लिविंग विद माय पेरेंट्स एंड हैविंग देयर फैमिली लाइफ, इट्स काइंड ऑफ नाइस, यू नो. Thank you very much, Ali. Thank you for coming to the show. And इतनी जबरदस्त
वादे से जब तुम बोलते हो तो कोई और तो बोल नहीं सकता exactly. लेकिन फिर भी मैंने बोला देखा? ये मेरा कमाल है हम रिलेटेड हम रिलेटेड है ना सिर्फ तुम भी नहीं कर सकती सवाल ही पैदा नहीं होता ओके डी थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे भाई और मेरे दोस्त से ये बहुत इंटेंस मुलाकात हमें यहाँ खत्म करनी पड़ेगी